आज अगुम तेरे लिए नाश्ता क्या है? तू भी खाएगा भुजिया पराठे, तू नहीं खाएगा अभी। तो चलिए दिल्ली का पहला नाश्ता कर लेते हैं सुबह सुबह, मैं और मेरे साथ है। आ जा। चलिए दोस्तों, नाश्ता करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी दीदी के घर की लोकेशन और अपनी दीदी का कमरा दिखाता हूँ, फ्लैट। वो एक है बालकनी वाला रूम जिसमें मैं अभी सो रहा हूँ, यानी मैंने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखा हुआ है और गुम्मू मेरे को अपने घर घुमा रहा है। और ये है मेरी दीदी की किचन और उसके बगल में ये है इनका बेडरूम, ये वाला। और दोस्तों, जब मैं घर से वीडियो डालता हूँ तो आप मेरे साथ देखते होंगे कुक्कू को, यानी शुभम को। और ये है कुक्कू का छोटा भाई, यानी मेरा छोटा भांजा। तो ये उसकी याद आती है कुक्कू की? जब से वो दिल था नहीं आता है? जब मैं भी उसके जब दिल्ली था नहीं आ रही थी। अच्छा, जब वो दिल्ली था तब याद नहीं आ रही थी, अभी आ रही है? कहाँ पे आ रही है? नहीं, उसकी याद कहाँ पे आ रही है? सिर में, नाक में, दिल में, धड़कन में, पेट में, कहाँ पे याद आ रही है उसकी? आँखों में? तो तू रोता नहीं है? जैसे उसकी याद आती है ना, मुझे बतला तो उसकी याद आती है। फिर उसकी याद आती है? अरे अच्छा, तो गाना सुनाया नहीं तूने मामा को आके? जब से मैं आया हूँ तूने मुझे गाना नहीं सुनाया। गाना सुना दे, फिर मूड फ्रेश हो जाएगा तेरा। चल कबोन कमांडो। होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलवार 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 दिलवार। अच्छा, दूसरा गाना आता तुझे इसके अलावा और कोई? सबके दूर। अच्छा, और वो तेरी छोटी बकरी है ना, उसकी याद नहीं आती तुझे? नहीं, जिसके यहाँ पर सब ऐसा। हाँ, वो वाली मेरी बकरी है। वो तेरी बकरी है? हाँ। और सुल्तान की याद नहीं आती? सुल्तान तो मेरी गाय है। हैं? सुल्तान मेरी है, वो दोनों सब एक, उस मम्मी भी उस मेरी है। हाँ। सुल्तान भी मेरा ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है जी आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं दिल्ली आ रखा हूँ और दिल्ली आने का जो सफ़र था, जो पूरी जर्नी थी, उसको आप सब ने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय उस वीडियो को किया है। और कल रात को, देर रात को पहुँचा था, सुबह 7 बजे घर से निकला था, 8 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। और जो सफ़र था वो काफ़ी खूबसूरत था, उसको और खूबसूरत बनाया मेरे GoPro 9 ने, यानी जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। क्योंकि जब मैं घर से निकला था उस टाइम 95% इसमें बैटरी थी और मैंने लगभग 315 वीडियो इससे बनाई, रास्ते पे आते आते ऑन एंड ऑफ चल रहा था। और फिर भी घर पहुँचते 13% इसमें चार्जिंग था। तो यार, कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं भाई GoPro की बैटरी लाइफ कैसी है कैसी है। तो जब से इसमें एक अपडेट आया है तब से काफ़ी अच्छी इसकी बैटरी लाइफ हो गई है। और बीच में कुछ हैंग भी कर रहा था, तो जो हैंग की प्रॉब्लम थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और अभी जो इसका बैटरी बैकअप था वो और अच्छा बढ़ गया। तो लव यू GoPro माई गिप्पी। तो ये हो गई GoPro की बात। और जैसा कि पिछली वीडियो के एंड में मैंने बताया था, मैं गाँव से क्या क्या ला रखा हूँ दीदी के लिए, बड़े भाई के लिए, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लड्डू लाया था और वापस घर आ गया। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ। और कुछ आने वाले ब्लॉग और होंगे जो यहीं पे बनने वाले हैं। और फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं खाली 1-2 दिन के लिए दिल्ली में आया हूँ कुछ ज़रूरी काम से। कई रिश्तेदार आसपास रहते हैं लेकिन उनसे भी मिलना नहीं हो पाएगा। कुछ व्यूअर्स कह रहे थे आपका दिल्ली आना होगा तो हमसे मिलके जाना, और हम गांव आएंगे तो हम आपसे मिलके जाएंगे। तो यार, जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मिलना नहीं हो पाएगा। पास में मेरे एक चाचा रहते हैं मेरे बहुत ख़ास, जो कि मुझे बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं। तो उनके पास भी जाना मे बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ भागना है। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं गांव की क्या क्या साग सब्जियाँ आ रखी है वो देख के। जो लोग, अगर आप लोग
दिल्ली में रहते हो और गांव से आपके कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो वो भी ज़रूर आपके लिए ऐसी कुछ ना कुछ लेके आते होंगे। चलिए अब खोलते हैं गांव की पोटली को। कार की मम्मी ने सब्जी गुमो, यहाँ पे क्या है? खाना बन रहा है। तो ये पोटली मैंने कल से यहाँ पे रखी है और इसको खोला नहीं है, तो चलिए आपको खोल के दिखाता हूँ। दीदी मम्मी को बुला, मम्मी मामा को बुला, जल्दी आओ। इसको रखते हैं यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, इधर ला। तो ये साग सब्जी मैं लाया हूँ घर से, या आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, एक मैं बीरो खाल गया था वहाँ से ये लेके आया है, तो अपनी पहाड़ी लेकिन खरीद के लाए, और ये सब घर से जो हमारे खेतों में लगे हुए थे वो है, और कुछ पापा गांव से लाए थे। मेरे ख्याल से मिर्च अपने खेत की है, और ये हो गई गदड़ी इनको बोला जाता है गढ़वाली में, और ये कद्दू गांव में किसी ने दिए थे तो वो मैं दीदी के लिए लेके आया हूँ। और जो साग सब्जियाँ लग रही है आपको पता ही है गांव में यार कितने बंदर लंगूर आ रहे हैं, तो सारे ख़त्म कर जा रहे हैं उनके डर से। जो साग सब्जी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है हम उनको तोड़ के अपना जुगाड़ चला रहे हैं, तो ये सब देख के आपको अगर गांव की याद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और जा गुम्मो मम्मी को बोल इसको काट के बढ़िया से चटनी पीसो इसके साथ। मैंने अभी मम्मी काटी इसको ले जाएगा सिर में रख। देखिए ले आ, दे लीजिए। थैंक यू। ओ गिर गया। क्या बना रहा खाना में? वाओ खुशबू तो बढ़िया है। हाँ भाई पार्टी होगी अब तो। पहाड़ी जंक्शन वाले आज चिकन बना रहे हैं देखो। क्या देखो गांव से एक इंसान आया है। रुक जा रुक। और जैसा कि मुझे खुशबू से पता चल रहा था कुछ ना कुछ तो बन रहा है भाई स्पेशल, और यहाँ बन रहा है मुर्गा और भात। थैंक यू। हेलो बाय बाय। शुरू हुआ नहीं कि बाय बाय गदारा। और अब हो रही है हमारे लंच की तैयारी, अब खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद आप लोगों को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब घर से निकला था यार बहुत ठंड लग रही थी, और अभी यहाँ आके देखो पसीने पसीने हो रहे हैं, और मम्मी ने सारे कपड़े रखे थे मेरे, और उनको लगा कहीं ठंड ना लग जाए रास्ते में, तो उन्होंने एक स्वेटर भी रखी है। अब समझ नहीं आ रहा यहाँ स्वेटर का क्या करना है। तो ये मेरा बैग है, और ये देखो मम्मी ने कपड़े रखे इसमें स्वेटर डाल दी, बताओ। हालांकि उतनी हैवी स्वेटर नहीं है, बस टी शर्ट टाइप की एक स्वेटर है उसको डाल दिया। अब कैसे कटेगा आज और कल का दिन, क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी लगी हुई है, तो देखते हैं कब जाना होता है घर। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सज्जन को क्या तकलीफ है? सज्जन को क्या तकलीफ है? एक मिनट, बहुत ज्यादा तकलीफ है। ये बेचारे गाना ढपली बजेगा, ढपली बजा तेरी घुमड़ू में गई। तो दोस्तों दिन में लंच करने के बाद मैं और जीजा जी चले गए हैं बाहर, और बाहर कहाँ साकेत हाई कोर्ट के लिए हम लोग निकल चुके हैं, जिसके लिए कि मैं स्पेशली गांव से दिल्ली आ रखा हूँ।
और चलते चलते कुछ नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं यार। रास्ते में जो भी अच्छे व्यूज़ पड़ेंगे तो वो सब आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और ये जो जगह है ये है कनॉट प्लेस से होते हुए हम लोग आके कुछ जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चर्च जो है दिल्ली की है। जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं बारिश आने का मौसम हो रहा है और इसलिए मैं ऑटो से जा रहा हूँ ताकि कहीं पे ज़रूरत पड़े तो यार रुकवा के कुछ सीन ले लिए जाए। और जैसा मुझे लग ही रहा था यार बारिश आने को हो रखा है, तो लो जी बारिश आ गई है। और ये देखो बहुत मोटी बारिश जो है पड़ने वाली है। तो चलिए ये और भी अच्छा है, आगे इन्जॉय करते हुए चलेंगे। लेकिन इस रोड पर जो इंडिया गेट पड़ेगा वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा था ऑटो रुका के थोड़ी देर वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँगा, लेकिन बारिश में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पे कुछ कागज़ पत्र हैं तो उनके भीगने का डर रहेगा। छाता लेके आया नहीं हूँ। तो खैर अभी बारिश को ही इन्जॉय करते हुए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। तो ये जगह है इंडिया गेट के बाहर का नज़ारा है ये, और आप देख लो कितनी ज़ोर की यहाँ पे बारिश लगी हुई है। अगर बारिश कम होती है बारिश बंद होती तो यहाँ पे मैंने रुकना था थोड़ी देर, इसीलिए मैं ऑटो से आया, नहीं तो मैं कैब करता या मेट्रो से चला जाता। अभी हम लोग जो है कालका जी को क्रॉस करके और गोविंदपुरी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम बिताया है। गोविंदपुरी और कालका जी में मैं 2015 से 2021 तक रहा हूँ। अब गोविंदपुरी से एक काम निपटाने के बाद, कुछ कागज़ पत्र लेने के बाद, अब ये नेहरू प्लेस होते हुए हम पहुंच जाएंगे साकेत, और वहां पे ये सब दे के वापसी आना है। तो अब हम लगभग साकेत हाई कोर्ट के बाहर बिल्कुल पहुंच गए हैं, और ये नज़ारा है साकेत हाई कोर्ट का के बाहर का। सामने गेट आने वाला है जहाँ पे हमें इंटर होना है, और उसके बाद अंदर फोटो वीडियोग्राफी अलाउड तो नहीं होती और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। तो अब हम वापसी आ गए हैं, फिर से बंगला साहिब गुरुद्वारे से होते हुए गुजर रहे हैं। और आते टाइम जो हमारी ट्रैवल है वो बस से है, डीटीसी बस से, और कुछ दूर तक हमें बस से जाना है, उसके बाद वहाँ से ऑटो करना पड़ेगा घर तक पहुँचने के लिए।
तो लो जी, बाहर का काम निपटा के आ गए हैं घर पे, और जिस काम के लिए आया था चलो वो टेंशन ख़त्म हुई। और अब देखता हूँ मैं आज शाम को निकलता हूँ या कल निकलता हूँ। वैसे भाई अभी आया नहीं है, उससे भी मिलके जाना है, तो शायद कल शाम को मैं निकल जाऊँ दिल्ली से घर के लिए। तो बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो भी और वीडियो की तरह इन्जॉय की होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर जाना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना। तो जल्द मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, क्या कर रहा है बब्बर शेर? हाथ निकाल, बाहर निकाल हाथ।